हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ब्रेन्स ऑफ क्लासेस। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 6 की मैथ चैप्टर नंबर 8 और ये है इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और इसमें अपन पढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे इसकी 8C, एक्सरसाइज 8C का पार्ट नंबर 1, ठीक है। इसमें अपन इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व आउट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला है कन्वर्ट 8 एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। किस में कन्वर्ट करना है इसको? रुपीज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को पता है कि सिंस 1 rupees इक्वल टू क्या होता है? 100 paise होता है, ठीक है। यानी कि अगर रुपीज को पैसों में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ से अपन 1 paise की वैल्यू कैलकुलेट करें, 1 paise इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/100 rupees। मतलब अगर रुपीज को पैसों में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100, पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100। और यहाँ पे क्या करना है? पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो इसमें क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे किसका? 100 का। और यहाँ लिख देंगे पीछे रुपीज। अब 5/100 यानी कि 20 का डिवाइड करना है, तो पीछे से यूनिट पहले से 2 digit के बाद डेसिमल आ जाएगा, लेकिन अपने पास सिर्फ एक ही डिजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, अब 2 digit कन्वर्ट हो गई, यहाँ पे लगा देंगे डेसिमल, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.05 rupees। सेकेंड पार्ट इसका 125 paise, क्या करना है इसको? रुपीज में कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई 100 और पीछे लिख देंगे रुपीज। अब 20 का डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कि पीछे से यूनिट पहले से 2 digit के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी कि 1.25 rupees आ जाएगा इसका राइट आंसर। सी पार्ट है वही सेम प्रोसेस, पैसों को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे इसका आंसर 0.80 rupees, या फिर आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते थे 80/100 लिखा हुआ है, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 1 digit के बाद लगा देंगे डेसिमल, यानी कि 0.8 rupees, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, दोनों ही आंसर सेम है, ठीक है। इसमें डेसिमल के बाद में 8 फिर 0 लिखा हुआ है और इसमें डेसिमल के बाद में सिर्फ 8 लिखा हुआ है, तो दोनों इक्वल माने जाते हैं। नेक्स्ट है डी, वही सेम प्रोसेस, पैसों को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 और लगा देंगे लास्ट में रुपीज। 2 digit के बाद डेसिमल, यानी क्या लिख देंगे? 60.05 rupees, ये जगह इसका एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट है इसका ई पार्ट, 253 paise, रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 100 और लास्ट में लिख देंगे यहाँ पे रुपीज। अब 20 का डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कि 100 का डिवाइड कर रहे हैं, तो पीछे से 2 digit के बाद लग जाएगा डेसिमल, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 2.53 rupees, ठीक है। इसका एफ पार्ट है, अब ये 50 rupees लिखा हुआ है और 90 paise लिखा हुआ है, तो 50 तो ऑलरेडी रुपीज में है, यानी इसको बिना चेंज करे अपन एज इट इज लिख देंगे 50 rupees, प्लस का साइन लगा देंगे और 90 paise को कन्वर्ट करेंगे किसमें? रुपीज में, तो डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहां से लिखेंगे अपन 50 rupees प्लस 0.90 rupees, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे अपने पास में? 50.90 rupees, क्लियर। और लास्ट पार्ट इसका 725 paise, डिवाइडेड कर देंगे इससे 100 से रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए और लास्ट में लिख देंगे यहाँ पे रुपीज, तो आंसर कितना जाएगा? 7.25 rupees, ठीक है। 20 थे डिवाइड में, इसलिए पीछे से 2 digit के बाद डेसिमल लगा दिया, 1/2, यानी कि 7.25 rupees इसका आ जाएगा आंसर। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पैसे, किसमें कन्वर्ट करना है इसको? पैसों में कन्वर्ट करना है, यानी कि रुपीज को पैसों में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन? मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट है 18.75 rupees लिखा हुआ है, इसको पैसों में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 18.75 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से, और साथ में क्या लिख देंगे? पैसे, ठीक है। अब 18.75 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ये आ गया पैसे। अब देखना ध्यान से, इसमें डेसिमल नहीं है, इसमें डेसिमल है पीछे से 2 digit के बाद, यानी कि इसका आंसर में भी डेसिमल आ जाएगा पीछे से 2 digit के बाद, ठीक है। और इसको अपन लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, 1875 paise, ठीक है, यहां तक। बी पार्ट है, तो इसको भी क्या करेंगे? सबसे पहले 20.50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और लास्ट में लिख देंगे पैसे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका आंसर ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करने पे मतलब 20 और एड हो जाएंगे। अब इसमें 2 digit के बाद डेसिमल था पीछे से, तो इसमें भी 2 digit के बाद डेसिमल लग जाएगा यहां पर, और ये किसमें आ जाएगा आंसर? इतना इसका पैसे में। पॉइंट के बाद में 0 0 आ रहा है, तो जैसे यहाँ लीव किया था 0 0 को, वैसे ही अपन यहाँ पे भी इसको लीव कर सकते हैं 0 0 को, तो इसका आंसर आ जाएगा 2050 paise। सी पार्ट है, वही सेम प्रोसेस, 5.05 को सबसे पहले 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 20 और इसमें 8 हो जाएंगे, यानी कि पीछे लग जाएंगे, 20 के बाद डेसिमल था तो आंसर में भी 20 के बाद डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 505 पैसे, क्योंकि पॉइंट के बाद में जो 00 थे उनको अपन ने क्या कर दिया, लीव कर दिया, यानी कि हटा दिया। डी पार्ट है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से, और यहाँ लिख देंगे पैसे। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा, 30100, 2G के बाद डेसिमल था, यानी कि इसमें भी 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे और आंसर लिखेंगे पैसे में, तो आंसर कितना लिख देंगे, 301 पैसे, ठीक है। जो अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था ये जस्ट उसका अपोजिट पार्ट है, वहां पर अपन ने डिवाइड किया था क्योंकि वहां पर पैसों को रुपीज में कन्वर्ट करना था और यहाँ पे रुपीज को पैसों में कन्वर्ट करना है, इसलिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है। ई पार्ट है, 100 रुपीज को किस में कन्वर्ट करना है, 100.00 रुपीज को कन्वर्ट करना है किस में, पैसे में, तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है 100.00, मतलब इसका पॉइंट अपन यहां से हटा सकते हैं, तो यहां लिख देंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 100, सोल्व कर लेंगे इसको, ठीक है, और ये आ जाएगा अपना इसका आंसर पैसे में, क्लियर है यहां तक। और इसका लास्ट पार्ट है 50.56, तो क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करा तो क्या आंसर मिलेगा अपने को, 505600, पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल था तो इसमें भी 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा और आंसर आ जाएगा 5056 पैसे, ठीक है। 2 डिजिट के बाद में डेसिमल आ रहा था इसलिए डेसिमल को अपन ने यहां से हटा दिया और आंसर क्या लिख दिया, 5056 पैसे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए अपन इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।